नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूँ राज। फाइनली आपको बताने वाले हैं ग्रुप डी का जो है, अगर आपका एप्लीकेशन नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया जिससे कि आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे और कहाँ से करेंगे, क्या प्रक्रियाएं हैं, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि हमने कल एक वीडियो डाला था ग्रुप डी के लिए कि इनवैलिड अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है तो उस पर जो है, जैसे कि इस वीडियो पर क्लिक करते हैं, इस वीडियो पर अच्छा खासा देते हैं कॉमेंट आ रहा है जहाँ पे कि लोग का कहना है कि मेरा लॉस्ट हो चुका है मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए यहाँ पे बहुत सारा का ऐसा कहना है जिनका कहना है कि मेरा जो है ऑलरेडी रिजेक्ट मतलब कि खो चुका है, तो हम कैसे पता करें। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आप कैसे पता करेंगे और कहाँ से पता करेंगे और क्या क्या स्टेप हैं फॉलो करके आपको हम बताएंगे। लेकिन बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे इस तरह की अपडेट पाने के लिए। चलिए क्या करते हैं, सीधा हम चलते हैं। अभी आपको बताते हैं गूगल क्रोम या फिर अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में चले जाइए। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले देखिए आपको खोलना है अपने साइट पे सरकारी ही खोलना है। सरकारी खोलिएगा, ये नया वेबसाइट है हालांकि मेरा, ये अभी रैंक नहीं कर रहा है। इस केस में करना क्या है, कुछ नहीं, आपको सरकारी लिखना है और लिखने के बाद साइट को खोल लेना है। जब ये साइट खुलेगा कुछ इस तरह का खुलता है। इसके ऊपर हमने कल या परसों जो है हमने इस पर पोस्ट डाला है यहाँ पर, जैसा जब आपको नीचे करेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ऊपर सबसे ऊपर पर देखने को मिल जाता है RRC ग्रुप डी फोटो सिग्नेचर नोटिफिकेशन नोटिस। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको लिंक मिलता है फाइंड आउट करने का। लेकिन जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, हालांकि यहाँ पे सब कुछ जो है हिंदी में लिखा हुआ है और बहुत कुछ अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद जब आप आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका साइट जो यानी कि सर्वर, ये अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो ये सर्वर कब ओपन, मैं बता दूं कि अभी जो नोटिफिकेशन लिंक खुलेगा उसके बाद जो है आपको वहाँ पे उस समय उसका लिंक काम करना शुरू कर देगा। एक ये ऑप्शन था जहाँ से कि जो है आप अपना एप्लीकेशन आईडी को खोज सकते थे, लेकिन यहाँ से तो ये अभी काम नहीं कर रहा। लेकिन जिस समय नोटिफिकेशन लिंक काम करेगा हम उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे और आप वहाँ से जाके पता कर लेंगे जैसे इसका। लेकिन अब जो है एक और ऑप्शन है जहाँ से कि आपको हम बता रहे हैं कैसे आप अपना फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपके फ़ोन में जीमेल होगा, आपने जिस समय फॉर्म भरा होगा उस समय आपने अपना जीमेल यानी कि जीमेल का ये एप्लीकेशन जैसा क्या कहते हैं ये वाला है, तो ये जीमेल को खोलना है। आप अपना जो ईमेल आईडी दिए होंगे वो खोलने के बाद यहाँ पे ऊपर पे सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च ईमेल्स, इस पर लिखना है आपको RRC लिखना है। RRC जैसे लिखिएगा तो आपको सर्च करना है। अगर आपने अपना ईमेल आईडी दिया होगा तो फिक्स है कि उसमें जो है आपका उसमें एक इस तरह का मेल पड़ा होगा। जैसे ये मेल जो है, ये मेल आया हुआ है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड वायरस पर। देखिए यहाँ पे आपका देखिए लॉगिन आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस तरह से जो है अपना आप आईडी और पासवर्ड को यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को पता कर सकते हैं। और इस तरह से जो है एक तो ये आपके पास ऑप्शन मात्र एक यही है। अगर आपके पास आपका ईमेल आईडी बचा हुआ है तो उसको अपने जीमेल में या फिर कहीं भी लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद वहाँ पे आप सर्च कर लीजिए RRB। जब लिखिएगा तो RRB लिखने के बाद आपको जो है वहाँ पे NTPC का आ जाएगा, और अगर आप RRC लिखते हैं तो आपका ग्रुप डी का आ जाएगा। तो इस केस में करना कुछ नहीं, आपको RRC लिखना है। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको इंतजार करना है, हमारे वेबसाइट पे वो पोस्ट हम कर देंगे जहाँ से कि आप जो है एप्लीकेशन स्टेटस, हालांकि वहाँ पे हम लिंक डाल दिए हैं, वो लिंक अभी काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही अभी फोटो और सिग्नेचर का नोटिफिकेशन लिंक एक्टिव होगा तो उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप उसी लिंक से जो है अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। और साथ में वहाँ पर एक आपको फाइंड करने का भी ऑप्शन देगा, तो वहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपका गुम हो चुका है तो एक बस आपके पास यही ऑप्शन बचा हुआ है कि जैसे ही अगर नोटिफिकेशन का लिंक खुलता है तो वहाँ पे कुछ चीज़ प्रोवाइड कर दे तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो आप अपना मेल आईडी को कोशिश कीजिए रिकवर करने का। अगर आपके पास मेल आईडी नहीं है तो कोशिश कीजिए उसको फॉरवर्ड करके जैसे भी हो आप लॉगिन करके वहाँ पे सर्च बार में जाके आप सर्च करके अपना फाइंड आउट कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस तरह से जो है अपना जो है आप अगर आपका लॉस्ट हो चुका है, खो चुका है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी सही लगी होगी। इस तरह के अपडेट पाने के लिए आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।